तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो हम वापस आ चुके हैं भाई GT5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपने इंडियन कार्स के साथ। तो भाई आज का जो रैम है भाई, अभी तक का सबसे डिफरेंट रैम है भाई हमारे चैनल पे, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी ऐसा रैम ट्राई नहीं किया। और आज का जो रैम है भाई, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रैम भी होने वाला है अपनी इंडियन कार्स के लिए। और वो क्यों होने वाला है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, एक तो रैम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे, और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा रैम पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबा है। यहाँ से हम लोग को एकदम सीधे नीचे से जाना है ऐसे करते करते। उसके बाद भाई सीधे जाने के बाद यहाँ पे अपने रैम पे आने वाले कुछ ऑब्स्टिकल्स, और वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं मैं आप लोग को आगे पहुँच के बताता हूँ। तो गैस अपनी इंडियन कार्स भाई वहाँ से यहाँ आने के बाद जंप करेगी, और जंप करने के बाद अपनी इंडियन कार्स को इस पे पहुँचना है, इसके ऊपर चढ़ना है। ये आप देख सकते हो येलो कलर का बना हुआ है। इस पे चढ़ने के बाद ऊपर आप लोग देख रहे होगे भाई, यहाँ पे कुछ सीढ़ियों जैसा बना हुआ है, इस पे पहुँचना है। फिर यहाँ भाई 1 2 3 4 जंप्स मारनी है। उसके बाद भाई अब जो अपनी इंडियन कार यहाँ पहुँच जाएगी भाई, वो हो जाएगी भाई इस रैम की विनर। तो गाइस देखते हैं अपनी कौन सी इंडियन कार भाई यहाँ पे पहुँच पाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, अपनी सारी इंडियन कार्स का लाइनअप यहाँ पे एकदम सेट है। तो देख सकते हो भाई कितनी सारी इंडियन कार्स हो चुकी है हमारे पास आप लोगों के प्यार से। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक तो मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया और आप नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो यहाँ पर लेते हैं भाई अपनी एक एक कार और देखते हैं भाई अपनी कौन सी कार यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइस यहाँ पे जो मैं अपनी पहली गाड़ी लेने वाला हूँ भाई, वो है भाई अपनी स्विफ्ट। तो देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी स्विफ्ट कैसा परफॉर्म करती है। और मुझे यहाँ से काफ़ी संभाल के नीचे कूदाना होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है नीचे आने के लिए, हमें ऐसे ही नीचे जाना पड़ेगा। और भाई बहुत ही लंबा रैंप है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा रैंप है। और भाई अपनी स्विफ्ट कितनी ज़्यादा स्पीड पकड़ चुकी है आप लोग देख सकते हो भाई, 300 की स्पीड पर है भाई अभी ये। ओ भाई मुझे लग रहा है कुछ बड़ा ही होने वाला है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुकी है भाई, 400 पहुँच चुकी है भाई यहाँ पे अपनी स्विफ्ट। देखते हैं भाई क्या होता है, कितनी ऊँची जंप मारने वाली, क्या ये उन सीढ़ियों को चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। और भाई मुझे अपनी स्विफ्ट से उम्मीदें हैं भाई, काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्विफ्ट है तो भाई ऐसे हल्के में ले भाई, स्विफ्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हम। तो चली भाई यहाँ पर क्या है भाई, अपनी स्विफ्ट ने जंप, और भाई कितना ऊँचा जंप मार दिया भाई अपनी स्विफ्ट ने। ओ भाई काफ़ी ऊँचा जंप मार दिया है, और मुझे संभाल के नीचे उतारना पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी भी ये लेफ़्ट राइट हुई तो सीधा नीचे जाने वाली है, और फिर ये गाड़ी सीधे से हार जाएगी। तो भाई यहाँ पे भाई अपनी स्विफ्ट ने परफेक्ट लैंडिंग करी, और देखते हैं क्या ये ऊपर चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। और भाई इसकी स्पीड धीमी होती जा रही है, और भाई ऊपर पहुँच गई है फाइनली भाई अपनी स्विफ्ट, तो यहाँ पर ऊपर आ चुकी है। और ये स्टेयर नंबर 1। ओ भाई बहुत ही संभाल के जुताना पड़ेगा। ओ भाई सेकंड वाला, ओ भाई 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 बड़ा ही खतरनाक है भाई, हल्की सी भी स्पीड धीमी हुई भाई अपनी वाट रखने वाली, क्योंकि मोमेंटम टूटा तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और भाई आखिरी वाला, ये वाला अगर हमने पार कर लिया तो भाई अपनी स्विफ्ट हो जाएगी भाई विनर। तो भाई यहाँ पर शायद अपनी पहली पहुँचने वाली गाड़ी भाई अपनी स्विफ्ट होने वाली है क्या। तो भाई अपनी स्विफ्ट यहाँ पे पहुँच चुकी। ओ भाई क्या पहुँची है भाई, ये आप लोग देख सकते हो भाई, क्या भाई क्या बात है भाई, मुझे नहीं लगा था कि भाई ये पहुँच पाएगी। मुझे उम्मीदें तो देखो कम थी, लेकिन भाई मुझे भरोसा ज़रूर था भाई इस गाड़ी पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दमदार गाड़ी है। तो देखते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी कौन सी यहाँ पर पहुँच पाती है। तो भाई अगली गाड़ी लेते हैं भाई हम अपनी नई नवेली स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि अपनी स्कॉर्पियो यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे भाई माइकल भाई अपने बैठ चुके हैं स्कॉर्पियो के अंदर, और देखते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो कैसा परफॉर्म करती है। और भाई स्कॉर्पियो की आवाज़ तो काफ़ी दमदार है, देखते हैं भाई इसकी मैक्स स्पीड कितनी जाती है। ओ भाई काफ़ी लंबी जंप मार दी अपनी स्कॉर्पियो ने, हवा में इसकी स्पीड 200 हो चुकी है। नीचे पहुँचने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, क्या बात है भाई क्या बात है भाई, अपनी स्कॉर्पियो काफ़ी तेज़ी से जा रही है। लेकिन भाई अभी तक 400 नहीं टच कर पाई है, जो कि अपनी स्विफ्ट टच कर गई थी 400। कम ऑन स्कॉर्पियो भाई 400 हो गया भाई, 401 तक गई थी, लेकिन भाई अभी इसकी स्पीड 400 नीचे जा चुकी है। देखते हैं भाई कैसा जंप करती है, मुझे लग रहा है कि अपनी स्कॉर्पियो ज़रूर भाई डेफिनेटली भाई पहुँचने तो ज़रूर वाली है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार है। और भाई क्या जंप मारा है भाई यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो ने भाई, आसमान चूम रही है भाई,
क्या बात है भाई, क्या बात है। और भाई एकदम परफेक्ट लैंडिंग करनी होगी, चूक हुई तो स्कॉर्पियो गई। ओ भाई फटका पड़ा है भाई स्कॉर्पियो को, अच्छा वाला भाई। ओ भाई ओ भाई, इसकी स्पीड तो भाई स्विफ्ट से धीमी जा रही है क्या। ओ भाई फाइनली भाई पहुंच ही गई, और मेरे हिसाब से भाई स्विफ्ट से धीमी गई है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बचाना मुझे नीचे। ओ भाई फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, और इसका बम्पर टूट चुका है आगे से। सेकेंड रैम्प, सेकेंड रैम्प, अपने सेकेंड रैम्प पे भाई ये। ओहो हो 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 हो, बहुत ही प्यार से कर रही है भाई। टॉर्क तो इस गाड़ी में अच्छा खासा है भाई, बस थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जा रही है भाई अपनी जगह से भाई, उसका कोई इशू नहीं है भाई। तो भाई यहाँ पे करना है भाई अब हमें आखिरी वाला, और बहुत ही ज़्यादा संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्विफ्ट अपनी पहुँची थी एक मार्जिन से, मैं नहीं चाहता कि भाई ये वाली गाड़ी यहाँ पे हार जाए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई, तो आप लोग देख सकते हो भाई कि अपनी स्कॉर्पियो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है भाई। तो स्कॉर्पियो भाई किसी से कम नहीं है यहाँ पे, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे अपनी किंग ऑफ कार्स भाई स्कॉर्पियो आ चुकी है भाई, और उठाते हैं भाई अब अपनी लेजेंड कार को। तो भाई किंग ऑफ कार स्कॉर्पियो, और लेजेंड है भाई अपनी फॉर्च्यूनर। तो देखते हैं यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर कैसा परफॉर्म करती है। छोटी मोटी गाड़ियाँ तो अपनी उठाती ही रहेंगे, पहले बड़ी बड़ी बादशाहों को देखते हैं भाई कि कैसा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुकी है भाई अपनी फॉर्च्यूनर, और देखते हैं भाई फॉर्च्यूनर कैसा कमाल करती है। और ये चली भाई अपनी फॉर्च्यूनर, तो इसने भी काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ ली भाई हवा के अंदर ही। और भाई चलने में भाई कितनी ज़्यादा भारी लग रही है भाई अपनी स्कॉर्पियो से। देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर कैसा परफॉर्म करती है। और भाई काफ़ी अच्छी स्पीड है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से इसने 400 नहीं टच कर पाई है, तो उस मामले में कहीं ना कहीं भाई अपनी स्कॉर्पियो से पीछे रह ही जाती है। खैर कोई नहीं, अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है वो वहाँ पे दिखने वाला है हम लोगों को। तो यहाँ पे आ चुका है भाई अपना पहला टेस्ट, तो देखते हैं यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो कैसा परफॉर्म करती है। और भाई ये जब मारा भाई अपनी स्कॉर्पियो ने यहाँ पे दमदार सा, क्या बात है भाई। ओ भाई काफ़ी ऊपर आ गई है भाई अपनी फॉर्च्यूनर, और बहुत ही संभाल के नीचे उतारना पड़ेगा। और यहाँ पे है भाई अपनी चढ़ाई, तो देखते हैं भाई फॉर्च्यूनर अपनी चढ़ाई कैसी करती है। और भाई इसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीमी होती जा रही है, होती ही जा रही है भाई। तो यहाँ पे भाई अपनी फॉर्च्यूनर भी ऊपर पहुँच चुकी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अपनी स्कॉर्पियो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी भी परफॉर्मेंस भाई मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो जैसी ही है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ अलग होता है यहाँ पे, क्या ये उस फाइनल वाले स्टेयर तक पहुँच पाती कि नहीं पहुँच पाती है। ओ भाई भाई इसका मामला मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों डामाडोल सा लग रहा है भाई। ओ ओ भाई, और यहाँ पे हो गया भाई मोमेंटम का एकदम बेकार सा, तो मुझे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये अटक सकती है। तो ये चली भाई अपनी फॉर्च्यूनर, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और भाई यहाँ पे भाई अपनी फॉर्च्यूनर जो है भाई मुझे फेल होती दिखाई दे रही है। और भाई कमेंट में ये ना बोलना कि मैं ये जानबूझ ही करता हूँ, एक दो लोग बोल देते कि मैं ये जानबूझ में करता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा भाई जानबूझ के करके। तो भाई मैं एक ट्राई और कर लेता हूँ यहीं से ही, थोड़ा पीछे होके अपना मोमेंटम बना के एक बार जंप और मार के देख लेते हैं क्या अपनी फॉर्च्यूनर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई अब उसमें। और भाई यहाँ पे भाई अटैम्प्ट नंबर 2, और भाई यहाँ पे भाई अपनी फॉर्च्यूनर आ तो गई है, लेकिन उस पार पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी मुझे नहीं समझ में। ओ भाई पहुँच गई, तो भाई अपनी फॉर्च्यूनर को डेफिनेटली भाई दिक्कत तो हो रही है भाई। अपनी स्कॉर्पियो ने काफ़ी आसानी से किया, तो अब मुझे पता था कि ये आखिरी वाली नहीं होने वाली है भाई, इससे मुझे लग ही गया था कहीं ना कहीं। तो भाई यहाँ पे होती है भाई अपनी जो फॉर्च्यूनर है भाई वो फेल। तो भाई मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाई अपनी फॉर्च्यूनर से कि ऐसे फेल हो जाएगी। तो भाई लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो अपनी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा, तो देखते हैं भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा कैसा परफॉर्म करती है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मार दिया भाई अपनी ब्रेज़ा ने जंप, और देखते हैं भाई क्या होता है भाई यहाँ पे। ओ भाई भाई काफ़ी गजब के सस्पेंशन से, आप लोग देख सकते हो भाई ब्रेज़ा के सस्पेंशन की, तो मैं यार बोलूँगा कि भाई काफ़ी तगड़े सस्पेंशन से इसके।
माइकल को एक धचका भी नहीं लग रहा होगा अंदर बैठे बैठे। लेकिन देखते हैं यहाँ पे रैम की बात है भाई कि रैम पे अपनी ब्रेजा कैसा परफॉर्म करती है भाई। सस्पेंशन देखो भाई, क्या सस्पेंशन है भाई। तो यहाँ पे आ चुकी है भाई अपनी ब्रेजा के लिए पहली चुनौती, और देखते हैं अपनी ब्रेजा यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहाँ पे मार दिया भाई अपनी ब्रेजा ने जंप पहला वाला ओवर भाई, काफ़ी ऊपर आ गई भाई। पीली गाड़ी पीला रैंप, क्या एक सीन बन रखा है भाई यहाँ पे पूरा पूरा। और भाई जंप थोड़ा सा लगता है गड़बड़ा गया है, और भाई यहाँ पे भाई अपनी ब्रेजा का जंप गड़बड़ा गया, और मुझे लग रहा है भाई कि ये गाड़ी पे अपनी फेल होती, क्योंकि भाई जंप करने बाद आगे ही नहीं गई भाई, पीछे ही आके गिर गई। तो काफ़ी गलत हुआ अपनी ब्रेजा के साथ फ़िलहाल तो यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि इसका जो थोड़ा सा चैसी है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है भाई। खैर एक बार और जंप करके देख सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये उस पार पहुँच भी पाएगी। और यहाँ पे है अपना जंप नंबर 2, लेकिन भाई अपनी ब्रेजा नहीं पहुँच पा रही है उस पार। तो यहाँ पे भाई अपनी ब्रेजा भी होती है फेल। तो लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जब मैं अब अपनी अगली गाड़ी लेने वाला हूँ भाई, वो है भाई अपनी रूबीकॉन। तो भाई देखते हैं अपनी रूबीकॉन यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और काफ़ी दमदार कार है भाई, इसके टायर्स आप लोग देखो एकदम ऑफ रोडिंग टायर्स हैं। और मैंने ये नहीं सोचा था कि अपनी जो ब्रेजा है वो इस तरीके से फेल हो जाएगी, कि जंप तो मार ली लेकिन आगे नहीं जा पाई, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं भाई अपनी रूबीकॉन कैसा परफॉर्म करती है। वैसे रही बात फेल होने की, तो अपनी काफ़ी गाड़ियाँ भी फेल होने वाली है। तो भाई अपनी रूबीकॉन भाई काफ़ी एकदम चमक सी रही, एकदम अलग ही लगती है भाई ये गाड़ी भी, देख सकते हो आप लोग। लुक ही एकदम तगड़ा है भाई इस गाड़ी का, मस्कुलर लुक आता है भाई अपनी रूबीकॉन का। और यहाँ पे है भाई अपनी रूबीकॉन का पहला ऑब्स्टिकल। तो देखते हैं अपनी रूबी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। कम ऑन रूबी। तो भाई ये जब मारा भाई अपनी रूबी ने, काफ़ी तगड़ा जब मारा है, काफ़ी ऊपर तक आई है। तो यहाँ पे एकदम सब मेंटेन है, काफ़ी ज़्यादा आगे तक आई है ये जंप में। और भाई यहाँ पे भाई अपनी रूबीकॉन का है भाई सेकंड जंप, और देखते हैं भाई ऊपर पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है। और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई है। ओ भाई 60s पे आ गई, 50s पे आ गई। और भाई हल्की सी और धीमी होती तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर लग जाते भाई रूबीकॉन के अपने। और भाई यहाँ पर अपनी पहली सीढ़ी आ चुकी है, और मेरे हिसाब से भाई सक्सेसफुली। ओ भाई क्या फ्लिप मारा है भाई, क्या फ्लिप मारा है भाई। इस फ्लिप के लिए भाई एक लाइक ज़रूर करना भाई वीडियो को। एक फ्लिप और मारेंगे भाई, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और देखते हैं क्या ये पहुंच पाती है कि नहीं। ओ भाई, तो भाई अपनी रूबीकॉन भी होती है यहाँ पे फेल, क्योंकि भाई इसमें मेरे हिसाब से उतनी पावर नहीं है जितनी अपनी फॉर्च्यूनर और अपनी उसमें है, क्या कहते हैं स्कॉर्पियो में, भाई मेरे हिसाब से इसमें उतनी पावर तो नहीं है। तो लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो ये इसको करते हैं टाटा बाय बाय रूबीकॉन। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वापस। तो अब जो अपनी अगली गाड़ी होने वाली है भाई, वो होने वाली है भाई अपनी, कौन सी लूँ। तो भाई यहाँ पे लेते हैं भाई अपनी सफारी को इस बार, देखते हैं भाई अपनी सफारी ये स्टंट कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि अब तक सिर्फ हमारी शायद दो ही गाड़ियाँ जा पाई हैं, जो है भाई अपनी स्विफ्ट और भाई अपनी स्कॉर्पियो। तो भाई स्कॉर्पियो तो भाई मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दमदार निकली यहाँ पर, क्योंकि भाई वही गाड़ी भाई जो पहुँच पाई है, उसके अलावा भाई स्विफ्ट पहुँच पाई है। तो देखते हैं भाई दमदार गाड़ियों में भाई अपनी क्या सफारी पहुंच पाती कि नहीं पहुंच पाती। तो इसने भी 400 टच नहीं किया है, और मैं एक चीज़ देख रहा हूं भाई, जो गाड़ी शायद 400 नहीं टच कर रही है वो थोड़ी सी चूक जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं भाई यहां पे अपनी सफारी कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहां पे अपना पहला जंप आ चुका है भाई सफारी के लिए। तो देखते हैं सफारी यहां पे कैसा परफॉर्म करती है। और यहाँ पे मारा भाई अपनी सफारी ने जंप, देखते हैं कैसा जंप मारती भाई। ओ भाई क्या बात है, ओ मुझे ऐसा भी लग रहा है भाई ये जंप मारते टाइम पीछे आई थोड़ी सी। नहीं, मेरा वहम था शायद, ये तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन भाई थोड़ी सी टेढ़ी ज़रूर हो गई है, कोई बात नहीं भाई। और ये रहा सेकेंड वाला,
और ये भी काफ़ी आराम से अभी तक तो कर रही है, उसकी स्पीड धीमी होती जा रही है, लेकिन भाई अपनी रूबीकॉन से तो ज़्यादा ही थी। खैर, और यहाँ पे अपनी पहली सीढ़ी आती है भाई, सबसे छोटी वाली। और मुझे ऐसा लगा कि भाई अपनी सफारी की हालत थोड़ी सी खस्ता है भाई यहाँ पे। ओ भाई, ओ हो, तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मोमेंटम बनाने के लिए। तो यहाँ पे भाई अपनी सफारी का बन चुका है मोमेंटम, तो देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करती है भी ये। ओ भाई, तो भाई अपनी सफारी भी चूकती है भाई, और ये गई भाई यहाँ से अपनी सफारी नीचे। तो भाई यहाँ पे होती भाई अपनी सफारी भी फेल। इस टेस्ट में लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो यहाँ पे भाई जो अपनी अगली गाड़ी होने वाली है, मैं लेने वाला हूँ भाई अपनी वैगनार को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि अपनी बड़ी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा फेल हो रही हैं, तो यहाँ पे देखते हैं अपनी वैगनार कैसा परफॉर्म करती है। और मैं स्पेशली इसी टेस्ट के लिए भाई अपनी वैगनार को यहाँ पर लेके आया भी हूँ। मैं देखना चाहता भाई अपनी वैगनार यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहाँ पर अब जम मार दिया भाई अपनी वैगनार ने काफ़ी तगड़ा। और भाई इसकी स्पीड अच्छी खासी है भाई, वैगनार के हिसाब से देख सकते हो काफ़ी तेज़ जा रही है भाई। 370 की स्पीड इज़ नॉट बैड फॉर अ कार लाइक वैगनार। तो भाई काफ़ी सही चल रही है अभी तक तो। तो देखते हैं भाई अपना पहला जंप आ चुका है भाई वैगनार के लिए, और देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी वैगनार कैसा परफॉर्म करती है। क्या ये भाई फिनिश लाइन तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। ओ भाई, तो भाई यहाँ पे अपनी वैगनार ने जंप मारा, काफ़ी ऊंचा जंप मारा है भाई अपनी वैगनार ने। मुझे इतने ऊंचे जंप की भाई मुझे सच में उम्मीद नहीं थी अपनी वैगनार से। फिलहाल यहाँ पे भाई हम नीचे आ चुके हैं भाई, और भाई यहाँ पे अपनी वैगनार ऊपर तो चढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो भाई अटक जाए। ओ भाई क्या जंप मारा है। तो भाई अपनी वैगनार ने पावर तो भरपूर है, उसके साथ भाई इसकी बॉडी का वेट काफ़ी हल्का है, जिसके से चार चांद लग जाते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। मुझे लग रहा है भाई कि इसमें वो बात है भाई ऊपर पहुंचने वाली। ओह क्या अटकी है भाई। ओ भाई यार, इस चीज़ के तो भाई मैं तैयार ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसी भी नौबत आ सकती है, और मुझे कैसे करके भाई इसको नीचे तो उतारना ही पड़ेगा। ओ उतर जा, उतर जा। अरे भाई ये तो बड़ी ही गंदी फंस गई है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। तो भाई मुझे लगता है इसे नीचे उतारना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी वैगनार को नीचे तो उतार लिया, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम मिल पाए हमें। तो यहाँ पे भाई वैगनार की भाई अपनी सेकेंड सीढ़ी आ चुकी, और देखते भाई यहाँ पर क्या अपनी वैगनार ऊपर पहुँच पाती है कि नहीं। तो भाई अपनी वैगनार यहाँ पहुँच चुकी है, और भाई भाई पूरा ऊपर पहुँच के भाई ये गाड़ी नीचे आ गई भाई। मुझे ये नहीं उम्मीद नहीं थी भाई अपनी वैगनार से कि भाई इतनी आगे तक आ जाएगी, फिर भी ये गाड़ी जहाँ तक आई भाई बहुत बड़ी बात है। तो लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस यहाँ पे जो मैं अपनी अगली गाड़ी लेने वाला हूँ भाई, वो है भाई अपनी ऑरा। तो देखते हैं अपनी ऑरा यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो मैं बैठ चुका हूँ भाई अपनी ऑरा के अंदर। तो ये चली भाई अपनी ऑरा यहाँ पे एकदम रेडी, और भाई क्या जंप मारी अपनी ऑरा ने। और भाई इसकी स्पीड तो ज़बरदस्त है भाई, मेरे हिसाब से सबसे ऊंची जंप जो गाड़ी इसमें मारने वाली भाई वो अपनी ऑरा ही है। तो देखते हैं भाई अपनी ऑरा यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और भाई क्या ज़बरदस्त स्पीड से इसकी स्पीड बढ़ रही है, मुझे लग रहा है भाई 400 की पहुँच सकती है। नहीं, ये 370 पर रुक चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जंप आनी बाकी है। तो देखते हैं अपनी ऑरा अपनी जंप पर कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहाँ पे भाई आ चुका है जंप, और देखने वाली बात होगी कि अपनी ऑरा भाई कैसा परफॉर्म करती है। और यहाँ भाई अपनी ऑरा ने मार दिया भाई जंप। ओ भाई कितना ऊंचा जंप मार दिया भाई, भाई बहुत ही ज़्यादा ऊंचा जंप मारा है भाई, काफ़ी ऊंचा है। और मुझे लग रहा है भाई कि अपनी ये ऑरा तो ज़रूर वहाँ पहुँचने वाली है। तो भाई यहाँ पे है भाई ऊपर चढ़ने की बात, तो भाई अपनी ऑरा की तो जवाब ही नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रही है और जंप मारने वाली मुझे लग रहा है यहाँ से। ओ भाई, तो देख ही सकते भाई अपनी ऑरा में कितनी ज़्यादा पावर है भाई।
और ये पहली वाली सीढ़ी थी और यहाँ भी बिगड़ गया भाई। अपनी ऑरा का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा। ओ भाई नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। ओ भाई बच गई, बच गई भाई। तो यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा मोमेंटम और ये चली भाई अपनी ऑरा। तो भाई यहाँ पे अपनी ऑरा ने मार दिया भाई जंप। ओ भाई तो भाई अपनी ऑरा भाई ऑलमोस्ट पहुँच ही गई थी, लेकिन भाई यहाँ पे भाई अपनी ऑरा भी फेल हो गई है। तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो यहाँ पे अब जो अगली गाड़ी मैं लेने वाला हूँ भाई वो है भाई अपनी पुरानी वाली सफारी, क्योंकि अपनी नई सफारी फेल हो गई। हो सकता है भाई अपनी पुरानी सफारी पास हो जाए, तो देखते हैं अपनी पुरानी सफारी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी पुरानी वाली सफारी। ओहो ओ भाई ओहो इसको तो कुछ ज़्यादा ही मुझे दिक्कत लग रही है, इसको संभालना ही मुझे मुश्किल लग रहा है। ओ भाई एकदम ही मुश्किल है भाई इसको संभालना तो। ओ भाई खैर फाइनली संभाल लिया हमने इसे, कोई बात नहीं। देखते हैं आगे की जर्नी हमारी इस सफारी के साथ कैसी रहती है। भाई यहाँ पे अपनी सफारी अभी तक तो एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और देखते हैं भाई वहाँ जंप आने पे क्या होता है। तो भाई यहाँ पे आ चुका है भाई अपना जंप, तो देखते हैं अपनी सफारी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहाँ पे ये किया भाई अपनी सफारी ने जंप। ओ भाई काफ़ी अच्छा जंप किया है, काफ़ी अच्छा जंप है भाई, इसके बुढ़ापे को देखते हुए काफ़ी अच्छा जंप है, क्योंकि गाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ओहो कहीं ऐसा ना हो भाई कि ये गाड़ी फिनिश लाइन पे खड़ी मिल जाए हम लोगों को और हम लोग नई वाली सफारी लेके अपनी चौड़ दिखाते रह जाए। तो मैंने इसको जानबूझ के धीमे से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उस तरफ फिरने वाला था। चैलेंज क्योंकि असली यहाँ पे है भाई। ओ भाई तो मुझे चाहिए होगा फिर से थोड़ा सा मोमेंटम, क्योंकि ये सीधी से ये ऐसे पार करना आसान नहीं है। तो यहाँ मिला भाई अपनी सफारी को थोड़ा सा मोमेंटम और ये चली भाई अपनी सफारी। देखते हैं क्या ये पहुँच पाती कि नहीं। ओ भाई नहीं पहुँच पाई ना, पावर ही नहीं थी भाई इसमें उतनी, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कम पावर थी, मेरी उम्मीद से भी कम पावर थी। तो लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को, सफारी को यहीं पे छोड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पर बची अभी चार गाड़ियाँ, अपनी इंडेवर, अपनी भाई बहनें दोनों और अपनी नेक्सॉन। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ भाई अपनी वेन्यू को, देखते हैं अपनी वेन्यू यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है, क्या ये वहाँ तक पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अभी तक सिर्फ अपनी दो ही गाड़ियाँ पहुँच पाई हैं वहाँ तक। और भाई वैसे अपनी वेन्यू का जो बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, क्योंकि देख सकते हो ना इधर भाग रही थी ना उधर भाग रही, सीधा एकदम जा रही थी। तो भाई 350 हम लोग टच कर चुके हैं भाई अपनी वेन्यू के साथ। देखते हैं जंप अपनी कैसी रहती है वेन्यू की, और जंप करीब आती जा रही है भाई। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और भाई यहाँ पे आ चुकी है भाई अपनी जंप, और ये किया भाई अपनी वेन्यू ने जंप। ओ भाई क्या जंप किया भाई अपनी वेन्यू ने, बस मुझे इसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पहला जंप हो चुका है भाई अपनी वेन्यू से, और यहाँ पे आती है भाई अपनी असली चुनौतियाँ यानी कि अपनी ये सीढ़ियाँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है अब। ओ भाई पहली वाली तो काफ़ी आराम से कर ली इसने। तो भाई काफ़ी आराम से कर रही है भाई, और मुझे लग रहा है भाई कि अपनी वेन्यू जो है पहुँच सकती है कहीं ना कहीं। ओ ओ ओ ओ डिसबैलेंस डिसबैलेंस, कंट्रोल 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 कंट्रोल, थोड़ा सा मोमेंटम बनाना पड़ेगा हमें फिर से।
तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम रेडी है और ये चले हम अपनी वेन्यू के साथ। ओ भाई अपनी वेन्यू ने जम मार दिया है और यहाँ पे बची है भाई अपनी आखिरी वाली सीढ़ी और देखते हैं क्या अपनी वेन्यू वहाँ पहुँच पाती है कि नहीं। तो भाई ओ भाई अपनी वेन्यू पहुँच गई है भाई अपनी स्कॉर्पियो और अपनी स्विफ्ट के पास। तो आप देख सकते हैं भाई अपनी वेन्यू की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा तगड़ी है। तो शायद इतनी गाड़ियों के बाद ये दूसरी या तीसरी गाड़ी है भाई जो अपनी आ पाई है यहाँ तक। देखते हैं अपनी और कौन सी गाड़ी आ पाती है। वैसे यहाँ पर जो गाड़ियाँ बची हैं भाई वो है भाई अपनी नेक्सॉन, अपनी ह्यूंडई क्रेटा और भाई अपनी ये भारी भरकम भाई अपनी इंडेवर। तो देखते हैं अपनी इंडेवर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहाँ पे मार दिया भाई अपने इंडेवर ने जंप। ओ भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भाई अपनी इंडेवर हो चुकी थी यहाँ पे बेकाबू, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया है किसी तरीके से। काफ़ी भारी कार है, इसके भी सस्पेंशन भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओ भाई काफ़ी दबके चलती है भाई ये गाड़ी। वैसे देखते हैं भाई क्या ये भाई सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर पहुँच पाएगी कि नहीं। मुझे इसके चांस कम लग रहे क्योंकि भाई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फिसलती है भाई, हद पार फिसलती है भाई ये गाड़ी। तो भाई यहाँ पे भाई अपनी फोर्ड एंडेवर ने मार दिया है जंप और भाई अपने एंडेवर ने अच्छा खासा जंप मारा है। मुझे इतने भारी जंप की उम्मीद नहीं थी और बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। ओ भाई तो देखते हैं क्या ये ऊपर पहुँच पाती है नहीं। मुझे लग रहा है कहीं स्किट ना मार दिया भाई यहीं पे। ओहो स्पीड धीमी होती जा रही है इसकी, लेकिन भाई फाइनली ऊपर पहुँच गए हम लोग इससे। और यहाँ पे आती हैं भाई अपनी सीढ़ियाँ अटैम्प्ट नंबर वन, यानी कि सीढ़ी नंबर वन। इजी और भाई काफ़ी आराम से कर रही है। सेकंड ओ भाई मुझे नहीं लगा था भाई ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर फेल हो गई थी, लेकिन भाई अपनी इंडेवर को आप लोग देख ही सकते हो क्या ही गजब का परफॉर्मेंस दे रही है भाई ये। और भाई ये आखिरी और सबसे बड़ी वाली सीढ़ी। ओ भाई अपने इंडेवर के साथ यार ये तो गलत हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ भाई। अपनी इंडेवर भाई पूरी पहुँच चुकी थी भाई, मुझे नहीं लग रहा था भाई वहाँ पहुँच के नीचे आ गई यार। इस बार भाई मुझे अपने इंडेवर के लिए दुख हुआ भाई, सच में दुख हुआ। अगर आप लोगों को भी हुआ हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ भाई जो अपनी अगली गाड़ी है भाई वो हम लेने वाले हैं भाई अपनी नेक्सॉन को। देखते हैं भाई अपनी नेक्सॉन कैसा परफॉर्म करती है। माइकल बोलता होगा भाई गाड़ी के बीच में गैप रख लिया कर भाई, घुसने की जगह नहीं बचती है। तो यहाँ पे चली भाई अपनी नेक्सॉन, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे अपनी नेक्सॉन ने मार दिया जंप, काफ़ी तगड़ा जंप मारा भाई अपनी नेक्सॉन ने। और देखते हैं भाई सॉरी कैसा रहता है भाई इसका परफॉर्मेंस। और काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया तरीके से चल रही है भाई ये। और यहाँ पे आ चुकी है भाई अपनी नेक्सॉन के लिए चुनौती। और यहाँ पे किया भाई अपनी नेक्सॉन ने जंप और देखते हैं भाई क्या होता है इधर। और भाई यहाँ पे आ गया है जंप अपना। ओह भाई ये क्या हुआ भाई, ये दिक्कत तो मैंने पहली बार देखी भाई अपनी गाड़ी के साथ जो लैंड करने बाद ऐसी दिक्कत आई हो। और भाई अपनी नेक्सॉन किसी तरह ऊपर पहुँच जाए बस, मुझे इसके चांस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिक्कत होने वाली है अपनी नेक्सॉन को ऊपर पहुँचने में, लेकिन भाई अपनी नेक्सॉन पर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर भाई अपनी पहली सीढ़ी आ चुकी है भाई, यहाँ पर पहला रैंप अपना। तो भाई अपनी नेक्सॉन ने यहाँ पे जंप मार दिया, पहली वाली आसानी से हो गई। ओ भाई सेकंड वाला भी कर लिया, क्या बात है।
क्या बात है क्या बात है। ओ भाई थर्ड भी हो गया, थर्ड भी हो गया भाई। और यहाँ भाई आखिरी वाला है, और देखते हैं भाई क्या ये वहाँ पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है। ओ भाई, अरे भाई तो देख सकते भाई अपनी नेक्सॉन कितने कम डिस्टेंस से भाई वहाँ से रह गई। और भाई मुझे लगा था भाई ये पहुँच जाएगी, लेकिन भाई अपनी नेक्सॉन भी यहाँ पे फेल होती है। तो लेते हैं भाई अपनी आखिरी गाड़ी को। तो भाई यहाँ पे अपनी आखिरी गाड़ी एकदम रेडी खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये चली भाई अपनी ह्यूंडई क्रेटा, देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस रहता है इसका। और वैसे अपनी ह्यूंडई की वेन्यू पहुंच गई, तो हो सकता है भाई इसकी बड़ी बहन यानी क्रेटा भी यहाँ पहुंच ही जाए। और भाई इसका तो बैलेंस बिगड़ रहा है बहुत बुरा। ओ भाई संभाल लिया भाई, आई एम सो गुड इन दिस गेम भाई, कितने आराम से संभाल रहा हूँ भाई ये। तो भाई यहाँ पे देखते हैं भाई कि अपनी क्रेटा कैसा परफॉर्म करती है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आ चुका है अपना पहला जंप और अपनी आखिरी गाड़ी। तो देखते हैं भाई अपनी क्रेटा कैसा परफॉर्म करती है भाई यहाँ पे। और भाई यहाँ पे रहा जंप अपना, तो भाई काफ़ी सही जंप और काफ़ी ऊंचा जंप किया है भाई अपनी क्रेटा ने यहाँ पे, देख सकते हो भाई। ओ भाई क्या बात है भाई, यहाँ पे भाई देखते हैं अपनी क्रेटा ऊपर पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है। भाई ऊपर तो पहुँच गई है, अब देखते हैं भाई कि अपनी क्रेटा यहाँ पे जंप कैसा, पहली वाली अपनी है इसकी रैंप। और भाई मुझे इसका मामला थोड़ा सा ढीला लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जान थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है बाकी गाड़ी के कंपैरिजन में। और भाई इसके लिए तो मैं नहीं तैयार था इस बार भी। और यहाँ पे आ गई भाई अपना सेकंड वाला स्टेयर यानी कि रैम्प, काफ़ी मुश्किल है ये वाला भी। ओ भाई यहाँ पे भाई अपनी क्रेटा अपनी सेकंड वाले पे ही फेल हो गई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई अपनी कौन सी गाड़ियाँ भाई यहाँ पे पहुँच पाई हैं, और ये रैम्प काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था अपनी इंडियन कार्स के लिए। तो यहाँ पे जो अपनी विनर्स कार्स यहाँ पे मौजूद है भाई, वो है भाई अपनी स्कॉर्पियो S11, अपनी स्विफ्ट और भाई अपनी ह्यूंडई वेन्यू। तो देख सकते हो भाई काफ़ी कैपेबल कार्स हैं भाई ये सब। तो गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप लोग को ये वाला रैम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।